डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट्स, आज हमें एक नया टॉपिक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजाति कार्य मंत्रालय, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब भारत आज़ाद हुआ तभी से ये कहा जाने लगा कि जन आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। शुरू से ही हमारे देश में जनजाति की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, उनकी समस्या भी बहुत थी और उन समस्याओं के समाधान के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया जाए, इसकी लंबे समय से ही आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि जनजाति या आदिवासी मामलों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया जाए ताकि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समाज कल्याण के कार्यों में गति आ सके। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इन जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय में एक आदिवासी प्रभाग बनाया गया था, जिसे 1985 में कल्याण मंत्रालय को दे दिया गया था। लेकिन बाद में ये महसूस किए जाने लगा कि आदिवासी की समस्या इतनी ज़्यादा है और इतनी अलग भी है कि वह कल्याण मंत्रालय के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए एक अलग से मंत्रालय की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। अक्टूबर 1999 में एक जनजाति कार्य मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय को जो भी विषय दिए गए थे उनमें वित्तीय सहायता के माध्यम से दूसरे केंद्रीय मंत्रालय या शैक्षिक संगठनों के प्रयास के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सरकार और आदिवासी क्षेत्र में जो भी समस्या आ रही है उनको दूर करने का उद्देश्य रखा गया था। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की आयोजना, समन्वय, क्रियान्वयन की देखभाल के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय सरकार की एक नोडल एजेंसी है। अगर हम इसके संगठन की बात करते हैं तो जनजाति कार्य मंत्रालय में टॉप पर एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। 13वीं लोकसभा जब बनी थी तब इस मंत्रालय के पहले जनजाति कार्य मंत्री श्री जुअल उराव थे। मंत्री की सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होता है, इसलिए फग्गन सिंह को इस मंत्रालय का पहला राज्य मंत्री बनाया गया था, यानी पहले जनजाति मंत्रालय जुअल उराव और पहले राज्य मंत्री फग्गन सिंह थे। मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता देने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसे हम सचिव के नाम से जानते हैं, वो कार्य करता है। इस मंत्रालय में 3 संयुक्त सचिव, 3 उप सचिव और 4 निदेशक और उनके अधीन बहुत सारे पदाधिकारी काम करते हैं। यह रचना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अव्यवस्थित रहे आदिवासी प्रभाग वाली ही है। इसमें इस मंत्रालय को आंतरिक संरचना के हिसाब से कुछ इकाइयों में बांटा गया है। वो इकाई हैं अनुसंधान और योजना कार्य की इकाई, स्वैच्छिक संगठन और राजभाषा की इकाई, राज्य अनुदान एवं संचार इकाई, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन इकाई, संसद समन्वय और सतर्कता इकाई, सहकारी विपणन इकाई। इसके अलावा इस मंत्रालय में बहुत सारे कर्मचारी भी कार्य करते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 2 संगठन काम करते हैं। पहला है भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन और विकास संघ लिमिटेड, दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड। 1987 में ट्राइफेड
यानी भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन और विकास संघ लिमिटेड, यह आदिवासियों के कृषि उत्पादनों की अच्छी कीमतें सुनिश्चित करता है तथा निजी क्षेत्र में अगर व्यापारी इनका शोषण करते हैं तो उससे इनकी रक्षा करता है। 2001 में बना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड एक सहकारी सरकारी कंपनी है जो जनजाति के लोगों को स्वरोजगार और ऋण उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो इन वर्गों के कल्याण के लिए नीति और कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है या निर्धारित करता है। इस मंत्रालय को भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 के अधीन कुछ विषय भी सौंपे गए हैं। वो विषय हैं अनुसूचित जनजाति के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और बीमा, जनजाति कल्याण आयोजना, परियोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन आदि का कार्य करना, जनजाति कल्याण संबंधी स्वैच्छिक संगठनों या स्वैच्छिक प्रयासों का विकास करना, अनुसूचित जाति जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति शामिल करना, जनजाति का विकास करना, साथ ही इस सूची में जो भी अधीनस्थ कार्यालय हैं उनका संगठन, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र असम के स्वायत्त जिलों से संबंधित मामले जिनमें सड़कें पुल का निर्माण शामिल है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण के बारे में सूचना देने के लिए आयोग का निर्माण, किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए योजना बनाने और क्रियान्वयन करने के बारे में दिशा निर्देश देना, अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट बनाना, अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन करना, लोकुर समिति जो 1965 में बनी थी उनने जनजाति की निम्नलिखित विशिष्ट जनजाति के निर्धारण के लिए कुछ विशेषताएं बताई हैं, वो है आदिम जनजाति गुण, अनूठी संस्कृति, आम लोगों से संपर्क करने में कतराना, भौगोलिक अलगपन, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। लेकिन इन मापदंडों का हमारे संविधान के प्रावधानों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। जनजाति 1931 की जनगणना में कालेलकर आयोग, साथ ही लोकुर समिति, चंद्रा समिति ने जो परिभाषाएं ध्यान में रखी हैं उनमें जहां तक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रश्न है, यह प्रक्रिया 1999 में संशोधित कर दी गई थी। हमारे यहां संविधान निर्माता अनुसूचित जाति की समस्याओं से बहुत ज़्यादा अवगत थे, इसलिए उन्होंने इसके विकास के लिए कुछ प्रावधान भी बनाए थे। हमारे संविधान के प्रावधानों में अनुच्छेद 46 ये कहता है शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना, सामाजिक अन्याय से रक्षा करना। अनुच्छेद 19 का ये कहता है स्वतंत्र रूप से चलने फिरने, संपत्ति प्राप्त करने और उनका निपटारा करने के लिए सभी नागरिकों के सामान्य अधिकारों को अनुसूचित जनजातियों के हित को ध्यान में रखते हुए संरक्षित करना। 2010 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा में विशेष प्रतिनिधित्व है ना, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों में अलग अलग विभाग और राष्ट्रीय आयोगों का निर्माण करना, अनुच्छेद 243 घ में हर पंचायत समिति में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन करना, अनुच्छेद 339 में इनके कल्याण संबंधी समिति बनाना, 340 में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच और सुझाव हेतु आयोग बनाना, अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 इन वर्गों के वन अधिकार को सुनिश्चित करता है।
साथ ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने हेतु कुछ मापदंड भी बनाए गए हैं। वो मापदंड है जनजाति जनसंख्या